हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और सुबह के जो है 6:30 बज चुके हैं। यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है और इधर जो है मेरे हस्बैंड जो है नीचे सोते हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है पूरे बेड पर घूम घूम के सोने की उसको आदत है। फिर जो है यहाँ पर मैं हॉल में आ गई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बिखरी पड़ी है सब चीज़ें मेरी बेटी की। और अभी जो है मैं आपको विंडो खोल कर बताती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सनराइज़ भी नहीं हुआ अभी तक, ठंड का मौसम है इसीलिए। तो सुबह का सबसे पहला काम है सिंक जो है गंदा हो चुका है तो उसे मैं साफ़ कर दूंगी। तो हार्पिक डालकर मैं इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दूंगी। तो जब तक हार्पिक अपना काम करेगा तब तक मैं यहाँ पर जो है रात के बर्तन जो है खाने के वो सारे मैं यहाँ पर साफ़ कर दूंगी, धो दूंगी। जो रात के जो बर्तन होते हैं ना वो मैं कभी कभी रात में ही धो देती हूँ, और कभी कभी जो है मैं उन्हें सिर्फ पानी से खंगाल कर उन्हें मैं सुबह धो देती हूँ, क्योंकि जो है आज अभी जो है सर्दी का मौसम चालू है और बहुत ठंड है, इसीलिए मैं सुबह ही बर्तन धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है, सर्दी जुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसीलिए। तो अभी जो है मैं सारे बर्तनों को साफ़ करके मैं यहाँ पर रख दूँगी, और उसके बाद में जो है आज क्योंकि सैटरडे का दिन है तो सैटरडे के दिन मैं पूरा जो किचन का हमारा जो फ्लोर होता है उसे पूरा साफ़ कर देती हूँ, जो साइड के टाइल्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से मैं धो देती हूँ। तो अभी रात के बर्तन जो है वो धुलकर हो गए हैं, तो अभी मैं जो है गैस स्टोव को पहले मैं अच्छे से साबुन लगा कर घिस दूँगी। इसको जो हम जो बर्तन घिसते हैं उसी स्क्रॉच ब्राइट से मैं इसको घिस दूँगी अच्छे से, और फिर जो है बाजू के जो भी टाइल्स है और किचन का जो भी मार्बल का जो फ्लोर है उसे भी अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यह मैं हमेशा बीच बीच में भी हर रोज़ करते रहती हूँ, पर कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है ना, कभी कभी दूध जो है वो कभी उबल कर नीचे आ जाता है, या फिर चाय का कभी छूट जाता है गलती से तो वो उसका कभी कभी स्टेन रह जाता है। तो स्टोव को जो है वो मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी। इसको धोना नहीं है क्योंकि इसमें अगर पानी चला जाएगा तो जो भी हमारा स्टोव है वो ख़राब हो जाएगा इसीलिए। और जो टाइल्स में जो है मैं पानी डालकर अच्छे से धो रही हूँ, और मार्बल फ्लोर को भी मैं अच्छे से धो रही हूँ पानी डाल के ही। तो किचन का पूरा धुलने के बाद जो भी किचन पे जो भी सामान मैं रखती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं रखती नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा किचन का स्लैब है और ज़्यादा चीज़ें मैं रख नहीं सकती, इसीलिए मैं जो भी रखती हूँ वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो पानी का जार और जो बर्तन का जो रहता है वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि बार बार बर्तन धुलते हैं इसीलिए। तो किचन का सब काम होने के बाद मैं वापस आ गई हूँ बाथरूम में, और यहाँ पे भी जो भी बेसिन साफ़ करना है उसे अभी ब्रश से मैं अच्छे से घिस रही हूँ, साफ़ कर दूँगी इसे भी। उसके बाद में जो है मुझे नहाना है और झाड़ू पोछा वो सब मैं भी कर लूँगी अभी, क्योंकि मेरी बेटी जो है आज ज़्यादा देर तक सो रही है इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी जाकर डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो रूम मैं बाद में ही साफ़ करूँगी उसे उसके उठ जाने के बाद, क्योंकि अगर वो उठ गई तो मेरा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी जो है मैं ये सिंक होने के बाद में जो है झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहा लूँगी। कोने की जो भी गंदगी है उससे मैं टूथब्रश से, जो पुराना वाला टूथब्रश है हमारे पास उससे मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो बड़ा वाला ब्रश है वो उधर नहीं पहुँच पा रहा है इसीलिए। अभी जो सिंक जो है पूरी तरीके से साफ़ हो गया है, तो इसे इस पर मैं जो है पानी डालकर इसे अच्छे से धो दूँगी। तो ये अभी काम पूरा हो चुका है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर पौधे लगाने की कुछ तैयारी चालू है, जब लगा दूँगी तब मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँगी। तो ये रूम में जो है मैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई गैलरी नहीं है और ग्रिल भी जो है वो एकदम खिड़कियों से अटैच है इसीलिए। तो यहाँ पर भी थोड़ी बिखरी हुई चीज़ें हैं तो इन्हें भी मैं समेट लूँगी। अभी जो है मेरा नहा धोकर सब कुछ हो गया और मेरी बेटी भी जो है उठ चुकी है, आज जो है हमें बाहर जाना है इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही थी सुबह से, वरना मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि सैटरडे का दिन जो है छुट्टी का दिन होता है, हस्बैंड भी घर पर ही रहता है इसीलिए। बट आज क्योंकि हमको बाहर जाना है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ें कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड एग जो है मेरी बेटी को मैं दे रही हूँ अभी नाश्ते में, उसने उठकर जो है दूध पिया है एक कटोरी भर के,
और अभी जो है मैं उसको आधे घंटे के बाद में जो है ये बॉइल्ड एग वाइट दे रही हूँ। येलो वो नहीं खाना पसंद करती, इसीलिए मैं उसे फोर्स नहीं करती। एग वाइट ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो अपने आप से ही खा लेती है। तो बेटी को ब्रेकफास्ट देने के बाद जो है मैं तुरंत किचन में आ गई थी, मुझे खाना बना लेना है क्योंकि हमें फिर बाहर भी जाना है। तो मैं खाने में आज कढ़ी और रोटी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 3 चम्मच, कच्चा बेसन है, इन्हें रोस्ट नहीं किया है। और दही भी मैंने 1 कटोरी भर के दही लिया है और इन्हें अच्छे से फेंट दूंगी। अभी जो भी मसाले आप चाहें इनमें डाल सकते हैं। तो मैंने हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया और जीरा पाउडर इसमें डाल दिया है। नमक हम बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं डालेंगे, इसे अच्छे से फेंट देना है। और 1 ग्लास भर के पानी इसमें डालकर इसे अच्छे से खोल देना है हमने। तो रोटी का जो आटा है वो मैं लगा कर जाऊँगी, रोटियाँ बना नहीं पाऊँगी मैं क्योंकि आने के बाद में मैं तुरंत ही बना दूँगी, जल्दी ही हम आने वाले हैं इसीलिए। तो कढ़ी के तड़के के लिए मैंने लिए है 5 से 6 गार्लिक पॉड्स, उसके बाद ग्रीन चिली मैंने लिया है 3 से 4, और थोड़ा सा कोकोनट लेके इसमें इसे मैं अच्छे से पीस दूंगी। अगर आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने स्किप कर दिया। फिर कढ़ाई में तेल गर्म होते ही उसमें हमें राई, जीरा डालना है, करी पत्ता डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल के रेड चिली पाउडर मैंने डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला और जो ग्रीन पेस्ट हमने बनाया था उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। ये अच्छे से पकने के बाद इसमें हमें जो भी कढ़ी का घोल मिलाया था वो हमें डाल देना है, दही का जो भी हमने घोल मिलाया था उसे डाल देना है। और उसके बाद में 1/2 ग्लास या 1 ग्लास भर के पानी हमें वापस इसमें डाल दिया है मैंने। इसको जो है एक पहला उबाल आने तक इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, लगातार चलाते रहना है। नमक भी इसे 1 उबाल आने के बाद में मैं डालने वाली हूँ। तो अभी जो है फर्स्ट जो है बॉईल आ चुका है, तो अभी मैं नमक डालूंगी इसमें स्वादानुसार। नमक डालने के बाद इसका जो है गैस जो है मीडियम करके इसे अच्छे से पकने देना है। शक्कर मैं डाल रही हूँ, अगर आप ना पसंद करें तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो कढ़ी को मैंने रख दिया है पकने के लिए और यहाँ पर मैं जो है आटा लगा के रख दूँगी और फिर हम चलेंगे बाहर। और बाहर हम कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बेबी हग में, ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पर हम आए हैं ना क्योंकि हमारे बेटी के लिए हमको लेना है एक हुडेड स्वेटर। तो हम अभी उसको ट्राई करके देखेंगे कौन सा उसको फिट आ रहा है, कौन सा अच्छे से बैठ रहा है। ये हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि उसको है ना वो कैप बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, उसको पसंद ही नहीं है कैप पहनना। बचपन से, जब से छोटी थी तब से उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसीलिए अभी हम ऐसा हुडेड वाला स्वेटर ले रहे हैं ताकि वो पहन के रखे थोड़ी देर के लिए भी सही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है इसीलिए। तो हम उसको वही ट्राई करके देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए, इन्फेंट्स लेके बड़ों तक, बड़े जो बच्चे रहते हैं उनके लिए सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाथटब, टूथब्रश, जो भी खाने के लिए प्लेट्स रहते हैं, बाउल्स रहते हैं, स्पून्स, फोक्स, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो सॉफ्ट टॉयज़ है और बच्चों के लिए एक्टिविटी वाले टॉयज़ भी है। और यहाँ पे आप देख सकते पॉटी ट्रेनिंग के लिए ये पॉटी सीट भी है यहाँ पर, ये टीदिंग के लिए ये सारे होते हैं चीज़ें। और ये है सॉफ्ट टॉयज़, एक्टिविटी के लिए भी है बहुत सारे अच्छे टॉयज़ है। तो हमने भी हमारे बेटी के लिए एक लिया था एक्टिविटी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी घर पर जाके। तो अब हम घर वापस आ चुके हैं और जो मेरी बेटी के लिए हमने लिया है ना ये फ्रूट कटिंग ट्रे है। तो इससे जो है बच्चे फ्रूट्स के नेम्स जो है और कलर्स जो है वो सीख पाएंगे, कौन से फ्रूट का क्या कलर रहता है और कौन सी फ्रूट का क्या नाम रहता है ये वो जान सकेंगे। तो इसीलिए हम हमारी बेटी के लिए ये लेके आए हैं, तो थोड़ी वो एंगेज रहेगी इस एक्टिविटी में। तो उसे जो है ये बहुत पसंद आया था, खेल रही थी, देख रही थी सब जोड़ के और कट करके उन्हें।
तो उसे एक्चुअली जो किचन की चीज़ें है ना वो बहुत उसको अच्छी लगती है, इसीलिए हमने सोचा हम उसको ऐसे कुछ लेके देंगे जिससे वो थोड़ी एंगेज रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत भागते रहती है यहाँ से वहाँ, बिल्कुल भी एक जगह पर उसे बिठाना नामुमकिन हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए हम उसके लिए ये लेकर आए थे। तो देखते हैं अभी ये इससे कितने देर तक वो बैठती है चुपचाप। तो अभी जो है मैं किचन में आ गई थी और जो भी खाना बाकी था बनाने का, तो कढ़ी जो है मैं बना कर गई थी, और अभी जो है रोटियां बनाना जो था बाकी था, सिर्फ आटा मैं लगा कर गई थी, तो अभी मैं तुरंत आके मैं रोटियां डाल दूँगी जल्दी गरम गरम। और जो मेरी बेटी के लिए खाना बनाना था तो उसके लिए भी मैंने पालक पराठा बनाना था, तो उसका भी मैं आटा जो है मैं लगा कर ही गई थी, और वो भी आटा भी तैयार ही है, तो ये रोटियां होने के बाद मैं लगे हाथ वो पराठा भी मैं सेक दूंगी और उसे गरम गरम खिलाकर फिर वो जो है वो सो जाएंगे। आफ्टरनून में वो 2 घंटा सोती है, दिन में एक ही बार वो सोती है, पर अच्छे से दोपहर में सो जाती है, इसीलिए तो उसको अच्छे से खाकर अगर सुलाएंगे तो वो ज़्यादा देर सोएंगी, इसीलिए अभी मैं उसको पराठा खिला दूँगी। तो अभी मैं पालक पराठा बना रही हूँ, तो जो ये घी मैं लगा रही हूँ ना वो भी मैंने घर पर ही बनाया है, घर पर ही मैं घी बनाती हूँ, तो इसकी भी जो रेसिपी है मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे किस तरह से घी बनाती हूँ। तो अभी जो है पालक पराठा बन गया है, अभी इसे अच्छे से सेक देंगे घी लगा, तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये फूल रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो पराठा और सब खिलाने के बाद जो है मैं अभी आई हूँ हॉल में और मैं आपको सब दिखा रही हूँ कि हमने बेटी के लिए क्या लिया है। तो हमने जो फर्स्ट वाला उसे पहना कर देखा था, ये वाला ही हमने उसको हुडेड स्वेटर लिया है, इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है और इसका जो रियल प्राइस है वो 1600 था, बट हमको 1200 में इसको डिस्काउंट में मिला है, 30% का इसको डिस्काउंट दिया था। और जो इसका क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गर्म है ये, तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस यहाँ पे 1599 यानी 1600 ही है। और जो है ये बेबी हग का हमने हेड टू टो मिल्क वॉश उसको लिया था, जो बॉडी वॉश रहता है वो, और ये बॉडी वॉश जो है पैराबेन सल्फेट फ्री है, अच्छा बॉडी वॉश है। तो तीसरी जो लास्ट चीज़ हमने लिए थी वो थी बेबी हग की जो ये टूथब्रश जैसा है, फिंगर ब्रश है, हम इसको अपनी उंगली में डालकर बच्चों के जो है दांत साफ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद से नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, भी छोटे हैं तो इसके जो ब्रिसल्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, सिलिकॉन के हैं, बहुत सॉफ्ट है, इससे कुछ भी उन्हें हार्म नहीं होगा, कुछ भी इंजरी नहीं हो सकती है, बहुत ही अच्छा है। इसका जो केस के साथ में ये हमें मिला था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।